जय श्री राम। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य राज मिश्रा। बहुत सारे टीवी चैनल्स पर आप मुझे देखते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम टीवी चैनल्स के लिए मैंने किए हैं, और अब मेरा विचार है कि आप सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक अच्छा लाभ पहुंचा पाऊं, आप सभी तक एक अच्छी जानकारी पहुंचा पाऊं। आज का जो टॉपिक है, जो आज का विषय है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत सुंदर है। प्रेम एक ऐसा विषय है जिसके बारे में श्री रामचरितमानस में भी लिखा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान लिए जो जान निहारा। प्रेम एक बहुत महत्वपूर्ण, बड़ा खूबसूरत विषय है, लेकिन आज इस प्रेम के नाम पर बहुत सारी दिक्कतें भी हो रही हैं। सामाजिक दिक्कतें बहुत सारी हो रही हैं, पारिवारिक दिक्कतें बहुत सारी हो रही हैं। पर जो आज का मेरा विषय है वो ये है कि यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं या करती हैं, तो आप कैसे उसको प्राप्त करें। सबसे पहले हम अपनी जन्म कुंडली में ये निरीक्षण कराएं कि क्या सच्चे प्रेम का संयोग मेरी कुंडली में है या नहीं, और अगर प्रेम का योग कुंडली के अंतर्गत है तो ऐसे कंडीशन में हमें उसको प्राप्त करने का रास्ता क्या होना चाहिए, उस पर आज चर्चा करने की बहुत आवश्यकता है। सबसे पहले जन्म कुंडली का जो लग्न है वो आप हैं, चाहे वो आप लड़की हैं या लड़का हैं, वो आप अपने आप को समझिए। और जन्म कुंडली के पंचम भाव जो है, जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है वो प्रेमी प्रेमिका का भाव है। वहाँ से ये देखा जाता है कि आपका प्रेमी या प्रेमिका किस प्रकार का होगा या होगी। अच्छा, अब ये लग्न और पंचम का यदि आपस में संबंध बन जाए, दृष्टि संबंध बन जाए, युति संबंध बन जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम किसी से प्रेम करते हैं और हमसे भी कोई प्रेम करता है। लेकिन यदि दोनों का आपस में दृष्टि या युति संबंध ना बने, तो ऐसे कंडीशन में आप, मान लिया जाए कि लग्न पंचम भाव को देखता है, पंचम भाव लग्न को नहीं देखता है, तो आप तो किसी को प्रेम करते हैं या करती हैं, लेकिन सामने से आपको कोई प्रेम नहीं करेगा। पंचम भाव का संबंध लग्न से बन जाए, पंचम भाव का स्वामी लग्न को देखे लेकिन लग्नेश पंचम भाव को ना देखे, तो आपको कोई गुप्त प्रेम करता होगा या करती होगी। आगे बढ़ेंगे तो हम हस्तरेखा में भी, ये हमारी जो हृदय रेखा है ये प्रेम की चीज़ों को दिखाती है, ये हमारा शुक्र क्षेत्र जो है वो प्रेम की परिस्थितियों को दिखाता है। यानी हृदय रेखा यदि यहाँ तक आकर के, यहाँ से निकले और यहाँ तक आकर के टूट जाए, तो ऐसे कंडीशन में हमें प्रेम की प्राप्ति, सच्चे प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है। यहाँ से आके यहाँ तक पहुँचे, तो ऐसे कंडीशन में हमें सच्चे प्रेम की प्राप्ति होने का संयोग बनता है। अगर यहाँ तक पहुँचे तो निश्चित ही, खैर ये बहुत बड़ा विषय है, सच्चे प्रेम की प्राप्ति होती है। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो डिस्कशन इस बात को लेकर के नहीं है, इस पर तो हम कभी और भी डिस्कस कर सकते हैं। हम कैसे सच्चे प्रेम को प्राप्त करें, यदि आप लड़की हैं और किसी सच्चा प्रेम करती हैं। श्री रामचरितमानस के बाल कांड में दोहा नंबर 234 से 236 है, श्रद्धापूर्वक जाकर के माता पार्वती को इसको सुना दीजिए, या फिर गौरी शंकर रुद्राक्ष लेकर के आप धारण कर लीजिए। इससे आपको आपके सच्चे प्रेम की प्राप्ति होगी। और जब अपने प्रेमी प्रेमिका से मिलने जाएं, जब अपने प्रेमी से मिलने जाएं, स्पेशली पीले रंग का कोई कपड़ा आपके साथ जरूर होना चाहिए, और 5 केले माता दुर्गा को अर्पण करके आप जाएं। देखिए आपका जो सच्चा प्रेम है आपको प्राप्त होगा। यदि आप पुरुष हैं और आप किसी से प्रेम करते हैं या करती हैं, या करते समझवा चाहूँगा प्रेम करते हैं, और आप उनसे मिलने जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको आपका सच्चा प्रेम प्राप्त हो, तो क्या करना होगा? आप जब मिलने जाएं, परफ्यूम लगा करके जरूर जाएं, इत्र लगा करके जरूर जाएं। इत्र शुक्र का संबंधित है, और इत्र लगा करके जाने से निश्चित रूप से आपकी प्रेमिका आप पर प्रसन्न होगी। 5 लौंग लेकर के और भगवान शिव को गंगा जल के साथ अर्पण करने से आपको सच्चे प्रेम की प्राप्ति होती है। या फिर 13 मुखी रुद्राक्ष, वशीकरण कहा जाता है, 13 मुखी रुद्राक्ष को लेकर के प्रॉपर शुद्धिकरण करा करके आप धारण करें, आपको आपका प्रेम निश्चित रूप से प्राप्त होगा। आगे हम इस पर नई वीडियो तैयार करेंगे, एक टॉपिक ये प्रेम को लेकर के लेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको अपने सच्चे प्रेम के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल करें, हमसे बात करें, हम आपको उसका मार्ग भी बताएंगे। जय श्री राम।